electrical conductance hai kya? The ease with which an electric current passes through any substance. Wo asani jiski wajah se electric current jo hai wo kisi substance mein se pass karta hai, that is known as electrical conductance. To iski definition hamare paas ye hai ki kitni asani se electric current kisi substance mein se pass karta hai, wo uski electrical conductance kehlata hai. अच्छा फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी. आप जानते हैं इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस जो है मौजूद है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शायद हम जो है वो उसको कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो पर यूनिट लेंथ हम बयान करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस को हम पर यूनिट बयान नहीं करते, पर यूनिट लेंथ बयान नहीं करते, बल्कि हम इसको जनरली जो है वो साइमंस के अंदर या सीमंस के अंदर इसको जो है डिनोट करते हैं. तो इसके यूनिट की बात करें तो साइमंस इसका यूनिट है, एस के साथ जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेसिकली क्या है कि कितनी आसानी से कहीं से कोई करंट पास कर सकता है किसी सब्सटेंस से, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. अब यूनिट इसका साइमंस है. इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी देखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कितनी तरह से हो सकती है, तो बेसिकली दो तरह की इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है. एक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहाँ पर होती है, तो ड्यू टू आइंस. आपने पढ़ा हुआ है कि जब आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो इस कंडक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का. ये चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है ड्यू टू आइंस. दूसरी तरह की जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टेंस. उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्टेंस. अब ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक से मुराद है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी वजह से इसको मेटेलिक कंडक्शन का भी नाम दिया जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्शन, और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस दो वजह से होती है, या तो आइंस की वजह से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, हम इसको जो है वो अपने इस टॉपिक के अंदर जो है स्टडी करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का जिक्र हमने यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि वो हम आइंस की सूरत में देखते हैं, और आइंस होते हैं सोल्यूशंस में. तो और हम सोल्यूशंस को नहीं पढ़ रहे, हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं. इसलिए हम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटेलिक कंडक्शन है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, इसकी हम बात करेंगे. अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड कर रही है, जैसे कि मैंने बताया ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डिपेंड करेगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी. अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा कंडक्टर होगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है तो कंडक्टिविटी भी कम होगी. दूसरा, ये डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पे. बाज़ औक़ात सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पास ही नहीं कर पाते, और अगर वो इजीली पास ना कर सकें तो तब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कम हो जाएगी. और बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर होता है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं होता, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी. तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, और सॉलिड के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ये डिपेंड करेगी. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें पहला और बड़ा मशहूर फैक्टर है टेम्परेचर. ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, कि मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है. वो क्यों कम होती है, तो हमने ये बात की थी कि असल में जो एम्बेडेड उसमें मौजूद प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस होता है, जिसको हम उसमें मेटल केटाइन का नाम दिया था, तो जो मेटल केटाइन होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल केटाइन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और जब वो वाइब्रेट करता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आती है, हिंड्रेंस पैदा होती है, और इस हिंड्रेंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो यही रीज़न आपने पढ़ी हुई है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस इज द टेम्परेचर. तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेज ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मेटल केटाइन्स एंड दे हिंडर्ड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंडर करेंगे, उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है. तो टेम्परेचर
और इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस ऑफ मेटल्स का क्या रिलेशन बना? इनवर्स रिलेशन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? कम होती है. दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस. जैसे कि अभी मैंने बताया जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है, जो उसके क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी बड़ा जो है ये डिपेंड करेगा. लाइक अगर लूज स्ट्रक्चर होगा तो वो अलाउ करेगा मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, ज्यादा जो है वो ऐसे एक दूसरे के क्लोज स्ट्रक्चर होगा, तो उसके अंदर जो है वो मूवमेंट आसानी से नहीं होगी. तो दैट्स व्हाई लूज स्ट्रक्चर जो होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को. तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. तीसरा, इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर एक मेटल प्योर हो ना, तो प्योर मेटल्स जो होती हैं वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन जब उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाए, उसमें कोई दूसरी मेटल की इम्प्योरिटी आ जाए या किसी नॉन मेटल की इम्प्योरिटी आ जाए, तो उसकी वजह से भी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो इम्प्योरिटी आल्सो चेंज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. तो तीन फैक्टर्स मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किए. अब इससे आगे चलते हैं ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. टॉपिक बहुत शॉर्ट सा है, इसके अंदर हमने रेगुलर ट्रेंड उस तरह से नहीं देखने के ट्रेंड अलोंग द पीरियड और ट्रेंड अलोंग द ग्रुप, हम इनको इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे. लाइक हम इसके पांच छह पॉइंट्स बना लेते हैं. पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेफ्ट टू राइट मूव करें, इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस कम होती है. उसकी रीजन आपको समझ आनी चाहिए, लॉजिक आनी चाहिए, समझ आपकी समझ में आनी चाहिए बात, वो क्या है. उसकी रीजन ये है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो मेटैलिक करेक्टर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं. तो जब आप इस साइड पर मूव करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस क्या होगी? कम होगी. तो ये रीजन है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस कम होती है इन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस में कमी आती है, ये एक जनरल ट्रेंड है. अब इसके साथ देखें, हम फर्स्ट जो पॉइंट बनाएंगे वो मेटल्स का बनाएंगे कि मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या है. लाइक मेटल्स हैव अबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स की ये अबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, और ये हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मेटल्स की जानी जाने वाली एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं. अब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड किस चीज पे करती है? तो देखिए, मैंने इसके लिए एक रिलेशन बना दिया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटैलिक करेक्टर. जिसके अंदर मेटैलिक करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का ट्रेंड हमने मेटैलिक करेक्टर में पढ़ा था, वही ट्रेंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी होगा. लाइक मेटैलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी. मेटैलिक करेक्टर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, और दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. तो ये रीजन आपके सामने आ गई. अब अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हमारे पास ग्रुप 1A और 2A की मेटल्स हैं, और इसके अलावा ग्रुप 1B की मेटल्स हैं. अब इसमें जरा देखते हैं ग्रुप 1A और 2B में 2A में कौन सी मेटल्स हैं. तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. तो ये अभी मैंने बताया कि जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, तो चूंकि मेटैलिक करेक्टर बढ़ता है, और मेटैलिक करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है. ये मेटैलिक करेक्टर वाला ऑलरेडी लेक्चर हम जो है पढ़ चुके हैं, आप उस लेक्चर को दोबारा ओवरव्यू भी कर सकते हैं. तो दैट्स वाई आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस डाउन द ग्रुप जो है वो 1A और 2A मेटल्स की क्या होती है? इंक्रीज होती है. अगर हम ग्रुप 1B की बात करें तो ग्रुप 1B इज आल्सो नोन एज कॉइनेज मेटल्स. इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं. हैव एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस. इनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस की जो वैल्यू है ना, वो एक्सेप्शनली तौर पर बड़ी ज्यादा है, बड़ी हाई है. ये कॉइनेज मेटल्स कौन सी हैं? तो ये 1B के एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. इन तीनों को कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स. अब इनको कॉइनेज मेटल्स क्यों कहते हैं? तो ये जरा वर्ड आप देखिए, आपको समझ आ जाएगी. कॉइन एज, एज कहते हैं दौर को. कौन सा दौर? कॉइन्स का दौर, सिक्कों का दौर. जब कभी अशरफियां चलती होती थी ना, सिक्के चलते होते थे, तो ये उस दौर की मेटल्स हैं, बड़ी पुरानी मेटल्स हैं, और आज भी हम इनके सिक्के और कॉइन्स वगैरह बनाते हैं. तो दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉइन एज मेटल्स. ये कॉइन एज मेटल्स कहलाती हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये तीनों जो है वो कॉइन एज मेटल्स हैं. और कॉइनेज मैटर्स में भी हमने सिंपली एक बात की कि टॉप टू बॉटम जाएं तो कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है. अब होना इसमें यह चाहिए कि जो हमारे पास गोल्ड है वो सबसे नीचे आता है, कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड. तो अगर गोल्ड सबसे नीचे है तो गोल्ड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन इस केस में आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर.
सिल्वर इसमें अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है. तो सबसे अच्छा कंडक्टर इसमें सिल्वर है. सिल्वर के बाद कनेक्टिविटी जो है वो आती है गोल्ड की, और गोल्ड के बाद कनेक्टिविटी आती है कॉपर की. अब इसकी क्या रीजन है कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है और गोल्ड क्यों नहीं है, तो उसके लिए मैंने रीजन बताया कि देखें, डाउनवर्ड जाने से साइज तो बढ़ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो रहे हैं, मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर का फर्क आ जाता है. सिल्वर का जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करते हैं, जबकि गोल्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इस वजह से जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते. तो ये रीजन है कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इन द पीरियोडिक टेबल. अब इसके बाद नॉन मेटल्स की बात करते हैं, और नॉन मेटल्स की तो प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि दे डू नॉट हैव द अबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स डज नॉट हैव अबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की अबिलिटी नहीं रखती. तीसरी हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरीज अब्रप्टली. इनमें जो चेंज आती है ना इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस की, उसके अंदर कोई खास ट्रेंड नहीं है. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस बढ़ेगी, या ये नहीं कह सकते कि डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी. तो कोई जनरल ट्रेंड इसमें एक्सप्लेन नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो है वो इनकी वेरिएशंस बहुत अब्रप्ट होती हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, किसी की बहुत हाई है किसी की बहुत लो है, तो दैट्स वाई इनके अंदर कोई जनरल ट्रेंड मौजूद नहीं है. इससे आगे जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रुप 4A एलिमेंट्स. ग्रुप 4A के एलिमेंट्स में देखें, पहला कार्बन है, एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज नॉन कंडक्टर. ये बात हमने पढ़ी हुई है कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, बट कार्बन इज कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. इन ग्रेफाइट फॉर्म इट शोज कंडक्शन. ग्रेफाइट की फॉर्म में ये कंडक्टर होता है. अब इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी रीजंस को हम लास्ट के ऊपर एक्सप्लेन भी करेंगे. द लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप आर गुड कंडक्टर्स. और अगर आप ग्रुप 4A के लोअर मेंबर्स की बात करें, लाइक अगर आप देखें कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड, ये है ना सस्सी गई सिंध पंजाब, इस तरह से याद किया हुआ हमने. तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड. तो मैंने इसके अंदर क्या बात की, कार्बन जो है वो दो तरह का होता है, एक डायमंड की फॉर्म में है, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में है. डायमंड की फॉर्म में नॉन कंडक्टर है और ग्रेफाइट की फॉर्म में क्या है, कंडक्टर है. सिलिकॉन और जर्मीनियम की बात करें, वो मेटलॉइड्स हैं और उनको आप जानते हैं दे आर द सेमी कंडक्टर्स. वो ना तो प्योरली कंडक्टर हैं और ना ही प्योरली नॉन कंडक्टर हैं, तो दे आर सेमी कंडक्टर्स. और उससे नीचे हैं टिन एंड लेड, एंड दे आर द प्योर मेटल, वो प्योर मेटल्स हैं, एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो दैट्स व्हाई टिन और जो लेड हैं ये अच्छी मेटल्स हैं और इसी वजह से अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की. इसके बाद ग्रुप 5A टू 7A अगर हम मूव करें तो लो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, इनकी वैल्यूज ऑफ कंडक्टेंस बहुत कम होती हैं. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, इनका कोई सॉलिड स्ट्रक्चर भी नहीं होता, तो दैट्स वाई इनकी वैल्यूज ऑफ कंडक्टेंस बहुत कम होती है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज नॉन कंडक्टर. इस वजह से 5A से लेकर 7A तक के जितने मेंबर्स हैं उनको हम जो है वो नॉन कंडक्टर ही कंसिडर करते हैं. अब यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल जो दिखाया गया है उसमें देखें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है वो दिखाई गई है इन साइमन पर मीटर. साइमन पर मीटर के अंदर जो है इनकी वैल्यूज दिखाई गई हैं, और इसमें आपको नजर आ रहा है कि जितने रेड कलर के शो किए जा रहे हैं ना, जितना ज्यादा रेडिश कलर है उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी है, और जिनका ब्लू कलर है ये प्योरली नॉन कंडक्टर्स ही कंसिडर होते हैं. जैसे ये सल्फर है तो सल्फर की कंडक्टिविटी इंतहाई कम है, ब्रोमीन की भी कम है. इसी तरह से ये येलो कलर के जो अपीयर हो रहे हैं, जैसे ये क्लोरीन है, इसकी कनेक्टिविटी भी जो है वो कम है. इसी तरह से यहाँ पर वाइट एरिया आ जाता है, और ये जितने वाइट के अंदर शो हो रहे हैं इन सब की भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है वो कम है. और इसी तरह से कार्बन को देखें तो कार्बन ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है, तो ऑरेंज कलर यहाँ पर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेफाइट की फॉर्म में ये थोड़ा सा कंडक्टर है, लेकिन अगर आप डायमंड की फॉर्म में देखें तो दैट इज नॉन कंडक्टर. तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी का थोड़ा आइडिया हो जाता है. डाउन द ग्रुप जाएं इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ती है, अलॉन्ग द पीरियड मूव करें तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में जो है वो जनरल डिक्रीज ही आता है, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं. तो दैट्स व्हाई ये इसका जनरल ट्रेंड जो है वो आपने इसमें करना है. इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट हमने बात की डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर. इसकी क्या रीजन है, तो डायमंड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि डायमंड का जो यूनिट सेल है वो टेट्राहीड्रल होता है, इसमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स विद 4 अदर कार्बन एटम. हर कार्बन एटम ने दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाए होते हैं.
all the four electrons of each carbon atom are tightly bound in these covalent bond. अब जाहिर सी बात है कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं उस सारे स्ट्रक्चर के अंदर. देयरफॉर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन डायमंड. तो दैट्स व्हाई डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये इसी वजह से नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. जैसे कि आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इसी वजह से कम है क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है. नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट के अंदर अगर हम बात करें तो इसका ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसके अंदर हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. कार्बन बॉन्ड टू थ्री नेबरिंग कार्बन एटम्स. हर कार्बन आगे तीन नेबरिंग कार्बन एटम से जुड़ा होता है. एंड वन ऑफ इट्स फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली फ्री टू मूव अलोंग द लेयर्स. तो लेयर्स के दरमियान में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का वो इजिली अवेलेबल होता है फॉर द कंडक्शन. तो दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर. पैरेलल टू द लेयर जो है वो ग्रेफाइट कंडक्टर होता है बट नॉन कंडक्टर इन द परपेंडिकुलर टू द लेयर. लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर जो है ये नॉन कंडक्टर होता है. तो दैट्स वाई ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी भी आपने याद रखनी है. यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. इसके बाद है जी MCQ, एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बिलोंग्स टू. तो जाहिर सी बात है मैंने कहा है कि लेफ्ट साइड पे जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है ए ग्रुप में से. तो सब ग्रुप ए में 1A की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. अल्फा ऑप्शन ठीक है इसमें. लो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस शोन बाय द एलिमेंट. तो देखिए सोडियम बोरान मैग्नीशियम वगैरह जो है इनमें से सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी. बोरान जो है ये वैसे मेटलॉइड है इसकी भी थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी होगी. लेकिन फ्लोरीन इसमें नॉन मेटल है तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन की जो कनेक्टिविटी है वो सबसे कम होगी. तो लो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेंस शोन बाय द एलिमेंट इज फ्लोरीन.